संसार हमेशा से एक पहेली सा रहा है, एक रहस्य। सबने इसे समझने की कोशिश की है, हर एक ने अपना अपना सिद्धांत सामने रखा है। किसी ने संसार को स्वप्न कहा, किसी ने खेल कहा, किसी ने मिथ्या कहा, किसी ने कहा कि ये संसार अर्थात मौज मजा मस्ती, चरवाक फिलोसॉफी, इपिक्यूरियन फिलोसॉफी, खाओ पियो और मौज करो। किसी ने कहा यह संसार मिथ्या, इसे छोड़ो, ब्रह्म की खोज करो, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। किसी ने कहा सब स्वप्न जैसा है, किसी ने कहा पता नहीं ये है क्या, पहेली है, रहस्य है, मिस्ट्री है। किसी ने कहा यह किताब है, इसके एक एक चैप्टर धीरे धीरे खुलता है। तो संसार के विषय में कितनी बातें हैं संसार। किसी ने कहा यह संसार ही परमात्मा है, परमात्मा कोई और नहीं, परमात्मा कहीं दूर कहीं बैठा हुआ नहीं है मंदिर में, ये जो है दिख रहा है, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो अस्तित्व है, यही परमात्मा है। किसी ने कहा यह प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष का खेल चल रहा है। सांख्य सिद्धांत, वेदांत सिद्धांत, षड दर्शन है भारत में, सिक्स फिलोसॉफीज। किसी ने कहा परमात्मा यहाँ है, हर व्यक्ति ही परमात्मा है, और हर किसी ने कहा हर व्यक्ति में परमात्मा बैठा हुआ है आत्मा के साथ। और ये सारा एक कॉम्प्लिकेटेड, एक जटिल खेल चालू है। ऐसे अलग अलग सिद्धांत है, संसार की हर एक शय का इतना ही फसाना है। परंतु सृष्टि के सारे रहस्य धीरे धीरे खुलते हैं, परंतु इस संसार की रूपी किताब का एक एक चैप्टर, एक एक अध्याय धीरे धीरे हम पढ़ सकते हैं। कब? जब आत्मशुद्धि हो जाए, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। जितनी जितनी आत्मशुद्धि होगी, अपने आप सारे रहस्य प्रकट होने चालू होंगे। और जब सब रहस्य प्रकट हो जाते हैं, तब भय नहीं रहता। भय है क्यों? क्योंकि पता नहीं है, एक काल कोठरिया या एक खंडहर है, उसमें जाने के लिए भय लगता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं दरवाजा खुलने के बाद अंदर क्या होगा, रात का सन्नाटा और हम अकेले जा रहे हैं और दरवाजा खुलता है, हम खोलने से पहले ही अपने आप ही खुलता है, फिर तो और ज्यादा भय। और अंदर प्रवेश करते ही अपने आप बंद हो जाता है, और फिर खिड़की अपने आप बजने लगती है, और एक चमगादड़ आता है ऊपर से, और वहां रखी हुई वस्तुएं अपने आप हिलने लगती है, और अचानक तेज हवा का झोंका आता है, और दिखता है एक परछाई अभी अभी खिड़की से सामने गई, और फिर एक अजीब और गरीब आवाजें आती है जो कभी नहीं सुनी थी, और वहां पर एक भोजन की थाली रखी हुई है, और हमें बहुत भूख लगी, और जैसे ही थाली लेने गई, थाली अपने आप सरकती है, और फिर अचानक कोई कंधे पर पीछे से हाथ रखता है और बेहोश होके गिर गई। जब आंख खुलती है तो देखते हैं ये एक खंडहर है, सूरज की रोशनी आ गई है, देखते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है तो ये तो पहला दिन था। दूसरे दिन वहीं जाओगे तो फिर डर नहीं लगेगा, तीसरे दिन तो कुछ भी नहीं लगेगा, फिर तो सोचेंगे अभी ये हिल क्यों नहीं रही है थाली। तो जो हाँ रहस्य होता है वहां डर होता है, परंतु जहां सब पता चल जाता है, जहां ज्ञान है, जहां अंधकार है, वहां पर डर है, और जहां पर ज्ञान है और प्रकाश है, वहां कोई डर नहीं। अंधकार डराता है, अंधकार डराता है। जो चीज हमने, जो वस्तु जिसका हमें कोई अनुभव नहीं है, वो चीज हमें डराती है, पर कई बार हो चुकी है, फिर डर खत्म। तो यज्ञ इतिहास की कहानियां, यज्ञ इतिहास की क्रांति कहाँ घटी? छोटी छोटी गलियों में। कहाँ घटी? छोटे छोटे प्रसंगों में। और जिनके साथ घटी, उनके लिए वो छोटे प्रसंग क्या बन गए? जीवन का परिवर्तन के सूत्र। तो आज की स्टोरी, आज का कौन सा दिन है? आठवां दिन, नौवां दिन, स्टोरी नंबर वन। बाबा ने बहुत सारी पार्टी आती रहती थी, जाती रहती थी, तो पार्टियों में एक बार बच्चे आए, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे,
रात में सभी बच्चे बाबा के कमरे में गए। बड़े भी थे, बच्चे भी थे, और छोटे बच्चों को बाबा ने एक बॉक्स दिया और कहा कि इस बॉक्स में चॉकलेट है और खोलो इसको। तो एक छोटे बच्चे ने वो बॉक्स जैसे खोला, उसमें से एकदम सांप निकला, एकदम उछल कर सांप आ गया, और जितने बड़े थे एकदम डर गए और कमरे से बाहर, और जो छोटे थे वो वहीं रहे। और एक तो उस सांप की पूंछ पकड़ ली एक बच्चे ने, एक ने मुंह पकड़ लिया, और इलास्टिक का सांप था। तो बाबा ने कहा देखो ये बच्चे नहीं डरे और बड़े जो है वो डर गए इतनी छोटी सी बात से। एक समय आएगा जब संसार में महातांडव महाविनाश होगा, तब क्या करोगे? तब तुम्हारी स्थिति निर्भय स्थिति चाहिए। जब ये छोटी छोटी चीजें अगर तुमको डरा देती है तो कैसा होगा? और बच्चे क्यों नहीं डरे, ये भी एक प्रश्न है। नहीं, इतने समझदार भी नहीं है बच्चे, क्यों नहीं डरे? बच्चे डर के बारे में ज्यादा जानते नहीं, और बच्चे निर्दोष होते हैं, उसको खिलौना समझे। बच्चे क्या होते हैं? निर्दोष, अनजान, निर्दोष, साफ दिल, प्योर हार्ट। ज्यादा ज्यादा ज्ञान जब ज्यादा आने लगता है तो डर भी आता है साथ में। जैसे किसी घर को आग लग रही थी और घर का जो मालिक था वो ऑफिस गया था और घर के सारे लोग बाहर आ गए, पर घर के दो बच्चे जो थे वो अंदर ही थे। उनको लोग कह रहे थे आओ आओ आओ, आग लगी है धड़ाधड़, जो छत है गिर रही है, आग की लपटें उठ रही है, पर वो दोनों बच्चे अंदर खेल रहे थे खिलौने से। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, हमको खेलना है। सब लोग खिड़की से कह रहे आओ आओ आओ, वो कह रहे लगे हम नहीं आएंगे, हमको यही खेलना है। क्या करे, वो सुनने को तैयार नहीं, और अंदर कौन जाएगा, इतनी भीषण आग लगी हुई है। और तब तक उसके पिताजी आ जाते हैं और पिताजी को कहा जाता है कि देखो आपके दो बच्चे अंदर खेल रहे, क्या करे, वो आने को तैयार नहीं है। वो पिताजी जाते हैं खिड़की पर, आग अंदर लगी हुई है, बच्चों से कहते हैं बच्चों जब तुमको मैंने जो कहा था सुबह खिलौने के लिए, वो खिलौने मैं लेकर आया हूँ, बड़े खिलौने ये बाहर रखे हुए, जल्दी आओ। तो बच्चे कहते हैं अच्छा खिलौने लेके आ गए आप। तुरंत वो छोटे खिलौने छोड़ते हैं और खिड़की पर आते हैं, खिड़की तक आते हैं, और वो पिताजी उनको बाहर लेकर आ जाते हैं। फिर बच्चे कहते हैं पिताजी खिलौने कहाँ हैं? पिताजी कहते खिलौने तो लाया ही नहीं, तो झूठ बोलना पड़ा। परंतु बच्चे अनजान थे, वो ही जरूरी था उस समय। तो बच्चे कैसे होते हैं? निर्दोष, छलकपट से मुक्त। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, तो क्या प्रवेश करता है हमें, सारे षड्यंत्रकारी बन जाते हैं। बच्चे षड्यंत्रकारी नहीं होते, इसलिए तो कोई भी आता है कहता है ये लो लॉलीपॉप, ये लो वो, चले जाते हैं उसके साथ। नादान होते, मासूम होते। जीजस क्राइस्ट से पूछा जाता है हे प्रभु बताओ स्वर्ग के राज्य में कौन आएगा। जीजस यहाँ वहाँ देखता है, एक छोटी सी बच्ची खड़ी है, उसको अपनी गोद में उठाता है, कहता है कि जो इस बच्ची जैसा, बच्चे जैसा होगा वो मेरे प्रभु के राज्य में आएगा। बच्चा नहीं, बच्चे जैसा, बचकाना नहीं, चाइल्डिश नहीं, चाइल्ड लाइक। इन दो शब्दों में बहुत अंतर है, एक होता है चाइल्डिश बच्चों जैसा करना, वो नहीं, चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक अर्थात निर्दोष, निश्चल। ये नन्ना सा शिशु, कविता है ना हरिवंश राय बच्चन की, ये नन्ना सा शिशु ये नहीं जानता आगे की यात्रा समतल होगी या उबड़ खाबड़। ये नन्ना सा शिशु, इसके चेहरे पर ऐसी ही निर्विकारिता जो कभी बुद्ध ने जीवन भर की साधना के बाद पाई थी। ये नन्ना सा शिशु, इसे उस ग्वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही दूध कम तोला था। ये नन्ना सा शिशु, तो बी चाइल्ड लाइक, जो बच्चे जैसे है। कैसे? निर्दोष, निर्विकारी, महात्मा कहते हैं मुरली में बाबा बच्चों। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, निर्भय कौन रह सकता है? जिसके हृदय में छल कपट नहीं, पर जिसने हृदय में बहुत सारा छल कपट और छिपा के रखा है, उसको क्या होता है, हमेशा डर रहता है मेरी पोल ना खुल जाए, लोग पहचान ना ले, इसलिए उसे हमेशा छिपा के रखना पड़ता है चीजों को। और कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, हर बार नया एक झूठ इन्वेंट करना पड़ता है
सच्चाई में एक फायदा है, ज्यादा बुद्धि में याद रखने की जरूरत नहीं, पर जो झूठ बोलता है उसको बहुत चीजें याद रखनी पड़ती है, क्योंकि चार लोगों के साथ में अलग अलग वर्शन दिया है उसने, और जो सच है वो सेम जैसा है वैसा है। हाँ, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, भयभीत नहीं, चाइल्ड लाइक। मॉरल ऑफ द स्टोरी, विनाश के समय की तैयारी अभी से करना है। स्टोरी नंबर टू, और ये चालू है, इससे क्या डरना, ये सब क्या खिलौने हैं, ये मिट्टी के सर्वशक्तिवान साथ है, हम में शक्ति कम नहीं, हैं रास्ते। स्टोरी नंबर टू, एक माता जो पहले पाकिस्तान में थी और वहां पर उनका पढ़ाई, पति भी तीने भी छोड़ दिया, अकेली रहती है, मजदूरी करती है, और फिर उसे ज्ञान मिला, और ऐसी वो अनपढ़ से सहारा माता जिसका कोई भी नहीं था मधुबनाई, और यहाँ पर समय रही और फिर जाने लगी, क्योंकि यहाँ किसी को तो लंबा रुकने नहीं देते थे। तो बाबा ने पूछा कहाँ जाओगी, देखती हूँ कहाँ जाना है, कहीं जाने का कुछ है नहीं, और उसे कुछ आता भी नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम यहीं रहकर सेवा करो। स्टोरी फिनिश। हमें याद है हम लोग उत्तराखंड में 2013 में रास्ते ही, जब वहां से हॉस्पिटल लेकर, तो सेवा तो कर रहे हैं, परंतु जो सेवा हम लोग कहते हैं तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो तो सकाश का थोड़ी ना कुछ आता है तो सबसे बड़ी सेवा, उससे बड़ी और कोई सेवा नहीं, परंतु ये ठोस तुम कर क्या रहे, ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही है। तो वो कहते थे हम लोग बैठ के योग करते हैं, सकाश देते, तो फिर हमें याद है हम लोग गए थे यहाँ से लोगों को स्थूल चीजें दिखती, ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, हाँ, तो इस तरह की जो सेवाएं है ये प्रैक्टिकल नजर आती है। बाकी सेवाएं वैसे तो ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी सेवा योग की सेवा है, उससे बड़ी और कोई सेवा, पर संसार अभी उसको नहीं समझता है, अनजान है। तो बाबा ने क्या किया, उस माता को भी मदद की, उसको यहाँ रखा, और सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, उसे शिक्षित किया, शिक्षा देना, ये बहुत बड़ी सेवा है, अक्षर ज्ञान। ये स्टोरी नंबर टू, क्या सीखेंगे इससे, जो बेसहारा है उसे सहारा देना, जो अशिक्षित है उसे सिखाना, ईच वन टीच वन, ये गवर्नमेंट का नियम है ना, हर एक किसको सिखाए, एक को, कभी नहीं भूलेगा वो व्यक्ति। अगर तुमने किसी को अक्षर ज्ञान दे दिया तो आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत बात की बात है, पहले पेट की भूख, उसके बाद में ये ज्ञान, कोई भूखा है और उसको धर्म की बातें सुनाओ भूखे पेट होए भजन ना गोपाला, पहले पेट, अध्यात्म उसको थोड़ी ना, बेचारा गरीब है दुखी है भूखा है 3 दिन से, और हमने चालू कर दिया तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, भूल जाओ भूख प्यास को, कहो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं आत्मा को ना भूख है ना प्यास है, बेचारा भाग जाएगा। तो स्टोरी वन, स्टोरी टू, स्टोरी नंबर थ्री, विंटर्स के समय पर बहुत सारी पार्टियां मधुबन में आती थी, और बहुत सारे परिवार के परिवार आते थे, और एक रात, अंधेरी रात, और पूरा सन्नाटा था, और बाबा को छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई, बच्चा जोर जोर से रोए जा रहा था। तो बाबा ने पूछा, पता किया कौन रो रहा है, तो एक माता आई, उसने कहा कि मेरा बेटा रो रहा है, क्यों रो रहा है, तो माता ने कहा कि उसको दूध पीकर सोने की आदत है, बड़ा बच्चा है थोड़ा, तो दूध पीकर सोने की आदत है। तो बाबा ने कहा अच्छा, शायद वो बेगरी पार्ट होगा। तो बाबा के पास अपना जो उनका अपना थर्मास था और उसमें जो दूध था, बाबा ने कहा इसको ले जाओ, और उस बच्चे को दे दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने कंफर्ट से बाहर निकलना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दूसरों के सुखों के लिए अपने सुख की वस्तुओं का त्याग करना, अगर जरूरत पड़ी तो। हमें एक दिन नहीं मिलेगा, परंतु उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत छोटी, परंतु उसके लिए बहुत बड़ी बात है।
वो माता कभी नहीं भूल पाएगी। और सबकी मदद करना, कल की मुरली में था ना, सगे हैं लगे हैं पर है तो हमारा ही परिवार, और कैसे है अनजान है, परेशान है, समस्या है, मन बुद्धि का संतुलन नहीं है, उन्हें एक ही चीज की आवश्यकता है, रहम मर्सी दया। जय का रंजले गांजले त्यासी मने जवा फुले। किसको अपनाता है, जिनका कोई भी नहीं, वो संत है, वो योगी है, वो साधु है। तो स्टोरी नंबर 3, दिन भर क्या करना है, यही सोचते रहना किसकी मदद करो परंतु जबरदस्ती मदद नहीं करना नहीं तो रोड क्रॉस वाली स्टोरी जैसा हो जाए। टीचर कहता है कोई पुण्य का कर्म करके आना। एक हफ्ते के बाद टीचर पूछता है बताओ किसने क्या क्या पुण्य के कर्म किए। एक बच्चा हाथ खड़ा करता है, क्या किया तुमने? एक बूढ़ी माता थी उसको मैंने रोड क्रॉस करवाया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, और किसने क्या किया? दूसरा बच्चा हाथ खड़ा करता है, वो कहता है एक दूसरी बूढ़ी माता थी उसको मैंने रोड क्रॉस करवाया। टीचर को भी आश्चर्य लगता है, दो दो बूढ़ी माता है। तीसरे को पूछता है तुमने क्या किया? वो कहता है बूढ़ी माता खड़ी थी उसको मैंने रोड क्रॉस करवा दिया। टीचर कहता है ये कैसे हो सकता है, तीनों को भी एक ही इवेंट, एक ही बात, माता कैसे मिल गई? तीनों कहते हैं माता तो एक ही थी और वो तो क्रॉस करना ही नहीं चाहती थी, हमने जबरदस्ती क्रॉस कराया। पुण्य कर्म तो करना है ना, पकड़ पकड़ के पुण्य। कोई सुनना नहीं चाहता है परंतु अब छोड़ेंगे नहीं तुमको। बहुत मुश्किल से मिले हो ट्रेन में, एक ही घंटे का सफर है, सीधा आत्मा से चालू करके लास्ट ब्रह्मचर्य की धारणा तक पूरा, और ये रहा सेंटर, कहाँ रहते हो और ये सेंटर वहां है, ये सेंटर का एड्रेस, कल सुबह मुरली क्लास के लिए पहुंच जाना। कोर्स तो तुम्हारा हो ही गया ट्रेन में। अच्छा, तो वो बेचारा ऐसे देखते रहता है, एक ही घंटे में उसे सब कुछ सुना दिया, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र ब्रह्मा सब कुछ और विनाश, और लास्ट में सेंटर का एड्रेस, और पहुंच के फोन करना गए कि नहीं गए। रहम करते हैं बेरहमी से, किसी के छाती पर बैठकर संपूर्ण ज्ञान उसे सुना देना है, इसके पहले कि वो भाग जाए। उसके बैग भी उतरवा देते, अच्छा मैगजीन भी दे देते। एक शांतिवन में एक भाई है, उसका लौकिक भाई जब आया पहली बार शांतिवन, जो भी मिलता था आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, अगले 3 दिन वो शांतिवन के बाहर ही घूमता रहा, अंदर एंट्री नहीं की उसने। सुबह चला जाता था, रात को ही आता था। उसको पूछा ऐसा क्यों, वो कहता था अंदर जो भी मिलता है पकड़ पकड़ के आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा सिखाते। कहाँ से हो? अच्छा वहां से आए हो। कब आए हो? कल ही आया हूँ। पहली बार आए हो? बैठो। पहली बार आया तो बैठो, अब तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। वो अभी अभी आई है पार्टी उधर ज्ञान सरोवर में जाके और पीस पार्क में जाके और फिर पांडव भवन पहुंची है, पर हम छोड़ेंगे नहीं, हमें अपनी प्रजा बनानी है। वो कहते हैं अभी सुन के आया हूँ, वो सुनाओ मैं सुनाता हूँ। कि तुम आत्मा हो, ये परमात्मा है, ये सृष्टि चक्र। एक भाई तो बहुत अच्छा था, वो कहता था, उसको पूछा तुम ट्रेन में बैठते हो सेवा नहीं करते हो, सेवा करना चाहिए ना? वो कहता था मैं, मेरे पास मोती है हीरे, मैं ऐसे थोड़ी ना पत्थर पर फेंकूंगा। किसी के सामने थोड़ी ना सुनाना पड़ता है, कोई वैल्यू नहीं होती है फिर फ्री में। स्टोरी नंबर, हमने ये कहा था और बताया था, एक पूरी क्लास उस पर हुई थी कि दिल्ली कैंट में सेवा हुई थी 58, 59, 60s में, डेट पता नहीं एग्जैक्टली कब हुआ। और दिल्ली कैंट में बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ एक मेजर साहब थे, मेजर वर्मा, और जो ज्ञान में आए थे राजौरी गार्डन में सेंटर पर आते थे, और वहाँ पर फिर बाबा को निमंत्रण दिया था और बाबा आए थे और बहुत बड़ी सभा होती थी और सत्संग हुआ था। कितने दिन चला पता नहीं, वर्णन नहीं है कहीं पर शायद बहुत दिन चला। और वहाँ से कई लोग निकले उस सभा से, उस सत्संग से। तो ये जो मेजर थे वो नए नए ज्ञान में आए, तो दीदी ने उनसे कहा कि और कहीं जगह नहीं दिल्ली में, और कोई बड़ी जगह नहीं है जहाँ हजारों लोग रुक सके, तो आपके पास जो जगह है वहाँ बुलाया जा सकता है, और बाबा को निमंत्रण पत्र भेजो। तो उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखा कि आप आए यहाँ पर,
और ये भी लिखा कि जल्दी आओ क्योंकि लड़ाई कभी भी चालू हो सकती है और मुझे जाना पड़ सकता है, इसलिए आप पहले आ जाओ। बाबा ने उत्तर लिखा कि ऐसे ही नहीं आऊँगा, पहले तुम निश्चय पत्र भेजो। जो भी ज्ञान में आता था उस समय, ये 60s की बात है, 58, 59, 60, उस समय क्या लिखना पड़ता था? निश्चय पत्र। क्या निश्चय पत्र? कि मुझे संपूर्ण निश्चय है कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में प्रवेश कर सतयुगी नई सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। तो उस मेजर ने वो पत्र भी लिखा। बाबा को पत्र मिला, बाबा ने कहा ठीक है बाबा वहाँ आएंगे, परंतु लड़ाई बंद हो जाएगी बाबा आने से पहले ही। पत्र में ये चीज़ लिख दी। और जिस समय ये पत्र उस मेजर को मिला, उसके एक घंटे के बाद अनाउंसमेंट हुई कि लड़ाई बंद, अब कोई लड़ाई नहीं। तो उसका निश्चय और ही बढ़ गया। तो जो कहा, और कितने दिनों से हम देख रहे हैं कि बाबा में वो शक्तियां प्रकट हो गई थी, क्या होने वाला है वो पहले ही पता चल जाता था। जैसे पत्र मिला कि लड़ाई नहीं होगी, एक घंटे के बाद अनाउंसमेंट हो गई गवर्नमेंट की कि लड़ाई नहीं है। तो योगी में अपने आप पर, योगी कभी प्रदर्शन नहीं करता अपनी सिद्धियों का, सिद्धियों की, वो गुप्त रहता है। और गुप्त ही रखनी चाहिए सिद्धियां, अगर प्रकट करने गए तो क्या होगा, अगर दिखावा किया तो शक्तियां नष्ट हो जाती है। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है जो जो भी साधना करेगा सिद्धियां मिलेगी, परंतु ये सिद्धियां योगी के लिए दुश्मन है, बाधा है, इनका प्रदर्शन नहीं करना है। नहीं तो क्या हो जाता है, बिजनेस चालू कर देते हैं लोग। एक माता कुछ एक दो वर्ष पहले इसी क्लास में मिली थी और वो कहने लगी थी कि बात करनी है। हमने कहा क्या बात करनी है बोलो। तो उसने कहा था कि मेरे पास अपने आप कुछ शक्तियां प्रकट हो गई है, मैं जिस सेंटर पर जाती हूँ, जैसे क्लास पूरा होता है और मुरली जैसे ही पूरी हो जाती है, मैं बैठती हूँ और सारे भाई बहने आसपास बैठ जाते हैं और सब अपनी तकलीफें बताने लगते हैं, मुझे घुटना दर्द है, मुझे दर्द है, ये है, और मैं उनके घुटने पर हाथ रखती हूँ और बाबा को याद करती हूँ और घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, बहुत सेवा हो रही है। हमने कहा तुरंत बंद करो इसको, हमारी शक्तियाँ किसी का घुटने का दर्द और ये सब ठीक करने के लिए नहीं है, ये ईश्वरीय शक्ति है, इससे विश्व का कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना, ना कि शरीर का। किसी की शारीरिक बीमारी अभी ठीक कर दो, बाहर जाके एक्सीडेंट हो जाएगा फिर, और किसी के शारीरिक कर्म भोग में इंटरफियर भी नहीं करना है, इस तरह से डिवाइन इंटरवेंशन से। और इससे और एक नुकसान है, क्या? अहंकार, अहंकार। उस माता ने बोलते बोलते एक बात ये भी कहती थी कि मैंने कितने लोगों को देखा है यहाँ, किसी के पास ऐसी शक्तियां नहीं है जो मेरे में अपने आप प्रकट हुई है। वो बाबा बाबा तो कह रही थी पर सूक्ष्म अहंकार भी आ चुका था और वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा और फिर धीरे धीरे चार्जेस मोनिटाइजेशन चालू हो जाएगा, सब चालू हो जाएगा। वो नहीं भी हो तो भी अहंकार तो आ ही जाएगा। तो सिद्धियाँ बड़ी डेंजरस चीज़ें हैं, इसलिए जो बातें अभी हम बता रहे हैं ये तो तभी किसी ने इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं, हम अभी रेट्रोस्पेक्टिवली इतने सालों बाद, 40 साल बाद इसको इस तरह से देख रहे, परंतु वहाँ के भाई बहनों के लिए तो बस बाबा 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 था, बस बाबा ने कह दिया फाइनल। पर ये योगी को प्राप्त हुई सिद्धियाँ थी जो कि पता चल जाता था क्या होने वाला है, परंतु सिद्धियों का गलत प्रयोग नहीं करना है। जैसे एक योगी बैठा था, एक नाव जा रही है, बड़ी जहाज जा रही है जिसमें 40 लोग थे, उसको लगा इतने वर्षों से मैं तपस्या कर रहा हूं और मेरे पास इतनी सिद्धियां, मैं प्रयोग तो करके देखूं। वो संकल्प करता है कि ये जो हवा बह रही है हवा रुक जाए, और हवा रुक जाती है, और जैसे हवा रुकती है वो इतनी बड़ी जहाज जो है, हवा रुक गई, डूब गई, उसमें 40 लोग थे, 40 मर गए, पाप हो गया, इस पाप की सजा उसकी सिद्धियां खत्म, उसकी सिद्धियां नष्ट हो गई। तो सिद्धियां आएगी, जो भी प्यूरिटी के मार्ग पर चलेगा उसके पास सिद्धियां अपने आप आएगी, परंतु उसका प्रदर्शन नहीं करना है, और उपयोग करना भी पड़े तो जनहित के लिए, सुख के लिए, और उसको गुप्त रखना। जीसस क्राइस्ट जब भी किसी के साथ भी कुछ भी करता है, एक चीज हमेशा बोलता है, ये किसी को बताना नहीं, गुप्त रखना उसको। नेक्स्ट स्टोरी नंबर 5, दादी जानकी और बाबा
दोनों मुंबई में थे और बाबा ने बोलते बोलते एक बात कही, बच्ची लिथो मशीन जो होती है ना, लिथो मशीन हमने भी नहीं देखी अभी तक, ये उस समय यूज़ होती थी लिथो मशीन। लिथो मशीन अगर हमारे पास हो तो बहुत सारी प्रिंट आउट निकल सकते हैं मुरली के। तो दादी को पता नहीं था ये लिथो मशीन क्या होती है, फिर भी दादी एक मुरली की पर्त लेकर निकल पड़ी मुंबई में। घूमते घूमते पहुंची, कहाँ होती है लिथो मशीन, ढूंढा और पता चला चौथे मंजिल पर है। चौथे मंजिल पर गई, वहां पर वो जो दुकानदार था उससे कहा कि मुझे इसकी प्रतियां चाहिए 100। तो उस दुकानदार ने उस लिथो मशीन से वो प्रतियां निकाली। दादी ने पहली बार कहा, पहली बार देखी कि ये ऐसी होती है मशीन, और दादी ने उसको समझाया ये क्या है, और उसने पैसे भी नहीं लिए और दादी वापस आई। दादी ने आगे कहा कि ये जो बात बाबा ने उस दिन मुझसे कही थी, इसका मुझ पर बड़ा गहरा असर हुआ। क्या असर हुआ? कि जितने साइंस के साधन है, इस ज्ञान के विस्तार और इस सेवा के लिए जितना प्रयोग कर सको करो। और आगे चलकर दादी ने यज्ञ के लिए बहुत सारी लिथो मशीन उपलब्ध कराई। अभी तो लिथो मशीन यूज़ नहीं होती, अभी तो प्रिंटिंग प्रेस है इतनी बड़ी, ये पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बाप की सेवा के लिए जितने साधन उपलब्ध है उन सब का प्रयोग करना है, और केवल प्रयोग नहीं, उनके बारे में हमें जानकारी भी हो। नए नए साधन, न्यू न्यू इन्वेंशंस, कितने नए नए साधन आ रहे, तब तो कुछ नहीं थे, अभी क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है अब, परंतु फिर भी और साधन है। अभी तक ऐसी कितनी युक्तियां है सेवा की जो हमें पता ही नहीं। ये कब टचिंग होता है? अमृत वेला, शांत चित्त से, कोलाहलहीन चित्त से बाबा के सामने बैठ जाओ। कई सारे सेंटर बहने हैं, भाई हैं, कहते हैं सेवा नहीं हो रही है, क्या करें? क्या करना है? शांत बैठ जाओ, कुछ ना कुछ टचिंग आएगी, कुछ ना कुछ युक्ति आएगी कि ये करो, ये करना बाकी है, बाकी तो सब कर लिया। तो क्या करना है? जितने साइंस के साधन हैं उनके बारे में जानकारी हो और उनका प्रयोग करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अब तक जो हमने अब तक नहीं किए। कोई कहते हैं पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, हमने सारी दवाइयाँ कर ली फिर भी ठीक नहीं होता, कुछ तो अभी भी रहा है जो किया नहीं, कुछ तो है अभी भी, तो टचिंग आएगी। तो स्टोरी नंबर 5, उसके बाद में नेक्स्ट स्टोरी नंबर 6 चलते हैं। ब्रिज कोटी बेगरी पार्ट चालू है, और एक टाइम ऐसा आया कि न दाल न चावल न रोटी कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया। भोली दादी ने सीतू दादी जो कि भंडारा संभालती थी, सीतू दादी से कहा कि बाबा को जाके बताओ कि आज कुछ भी नहीं है, शाम का क्या करना है, और खाने वाले 150-200 लोग हैं, करना क्या है। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, बाबा ने कहा योग का समय बढ़ा दो, जो 4 बजे तक करते हो रोज दोपहर को, आज शाम रात को 8 बजे तक करो। युक्ति क्या है? जब कुछ नहीं है तो बिजी करने से भी ज़्यादा पावरफुल योग का टाइम बढ़ा दो। विघ्न आते हैं जीवन में, समस्याएं आती है, क्या करना है? बैठ के चर्चा नहीं करनी है क्यों आया, योग का टाइम बढ़ा दो। कितना बढ़ा दिया? 4 बजे तक रहता था, 4 घंटा बढ़ा दिया 8 बजे तक, और अचानक 6 बजे शाम को पोस्ट आई, एनवलप आया जिसमें मिठू दादी का नाम लिखा था, खोला उसमें 200 रुपये थे। बाबा को बताया, बाबा ने कहा जाओ जाकर राशन लेके आओ। जो अब प्राप्ति है उसके लिए कुछ किया नहीं, किया कुछ और, वो जो प्राप्तियों का सागर है उससे कनेक्शन जोड़ दिया, प्राप्तियां अपने आप आ गई। हम करते हैं क्या? प्राप्तियां क्यों नहीं है उसकी चर्चा चिंतन, हाँ हम डाल डालियों को पकड़ते हैं। सर्व प्राप्तियों का बीज कौन है? बाप। सारे खजानों का बीज सागर कौन है? बाप। सब कुछ मिलेगा उससे, सब कुछ जो चाहिए वो मिलेगा अपने आप, पर हमें विश्वास कहाँ है? विश्वास किस पर है? टाल टालियों पर है। बाइबल में लिखा है अगर तुम समंदर से कहो, यदि पहाड़ से कहो हे पहाड़ उठ, समंदर पे जागिर,
और तुम्हें विश्वास है कि ऐसा होगा तो वो तुम्हारी बात मानेगा। और इसके पहले भी कहा था, एक माता ने एक ये बात पढ़ी, उसने कहा चलो मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना है। उसने खिड़की खोली, खिड़की के बाहर एक पहाड़ था। उसने कहा हे दरख्त उठ जा समुंदर पे गिर, और मुझे पूरा विश्वास है कि होगा। खिड़की बंद करती है, रात में सो जाती है। सुबह एक्साइटेड है कि वो पहाड़ समुंदर में गिरा होगा, अभी वहां नहीं होगा। खिड़की खोल के देखती है तो पहाड़ वही है। फिर कहती है मुझे पहले ही पता था, तो निश्चय है ही नहीं। बाइबल में लिखा है इफ यू डू नॉट डाउट, एक मस्टर्ड के सीड जैसा भी इतनो सा भी तुम में डाउट ना हो तभी वो बात होगी। हम देखते हैं पेशेंट्स आते हैं, दो प्रकार के पेशेंट आते हैं, गरीब अनपढ़ जिनको कुछ नहीं पता वो जल्दी ठीक होते हैं, और दूसरे जो होते हैं जो गूगल से सब कुछ पढ़ के आते हैं सब कुछ पढ़ के आते हैं, पूरा एक एक चीज उनको पता रहती है, उनके ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। और जो गरीब होते हैं जो दे दो उससे ठीक हो जाते हैं, दे दिया पूर्ण विश्वास है कि इस ये दे दिया है मैं इससे ठीक होगा, वो विश्वास ही उन्हें ठीक कर देता है कुछ भी हो, फिर कैसी भी दवा हो। एक डॉक्टर बस्तर, बस्तर पता है ना, बिहार में एरिया है, बहुत आदिवासी जगह है, वहां गया बक्सर। तो वहां गए तो एक व्यक्ति आया, कहता मुझे ये दो रहा है वो हो रहा है, ठीक नहीं हुआ बीमारी। तो डॉक्टर के पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, उसने झाड़ का एक पत्ता लिखा लिया और उस पर दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और कहा इसको खा लेना एक हफ्ते के बाद वो पेशेंट मिला, वो कहता एकदम ठीक हो गया। मतलब तो ठीक हो गया, दवाई मिल गई। मतलब कौन सी दवाई, वो पत्ता बड़ा स्वादिष्ट था वो पत्ता खा के ठीक हो गया वो तो कितने हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए। लास्ट स्टोरी नंबर 7। कई बार बाबा सुबह सुबह टोलियां जो होती थी ना वो फेंकते थे और कहते थे जितने पकड़ सको पकड़ो, तो बच्चे पकड़ लेते थे, कोई एक कोई दो कोई तीन, जैसे अव्यक्त बाप दादा को भी देखा होगा टोली फेंकते हुए। तो ये सिस्टम बहुत पुरानी है। और फिर शाम की क्लास में बाबा कहते थे किस किस को कोई भी टोली नहीं मिली हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। फिर कहते थे किस किस को 2 से ज़्यादा मिली, 1 से ज़्यादा मिली, फिर हाथ खड़ा करते थे। और फिर पूछते थे किस किस ने अपनी टोली के साथ क्या किया, तो कोई कहता था हमने पूरी अपने आप ही खा ली, कोई कहता था हमने बांट दी, और कोई कहता था हमने, कोई कुछ कहता ही नहीं था, चुप रहता था। और फिर बाबा कहते थे कि जिन्होंने अपनी टोली बांट कर खाई वो पास, और जिन्होंने खुद खा गए वो फेल तो जो कुछ यज्ञ से मिले उसको क्या करना है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बांट देना, मिल बांट के खाना है, उससे भूख भी कम लगेगी। अकेले खाओगे तो भूख ज़्यादा लगती है, तृप्ति नहीं होती है, ऐसा लगता है और खाऊं और खाऊं, दूसरों का मिला वो भी मुझे ही मिल जाए। बांटने से अजीब सा खुशी होती है, जैसे घर की माँ होती है खुद खाती है क्या, उसकी खुशी किस में होती है, सब खाए सब खाए। सबने देखा होगा माओ को, दूसरों को खिलाने में ही उसकी खुशी है, उसको अपनी तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बनाने में इंटरेस्ट है, खिलाने में इंटरेस्ट है, परोसने में इंटरेस्ट है, खाने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उसको बनाते बनाते उसका पेट भर जाता है। तो दूसरों को खिलाने में ही क्या है, खुशी है। तो जो भी मिल जाए उसको क्या करना है, मिल बांट के उपयोग करना है। तो ये 7 स्टोरीज, स्टोरी नंबर वन निर्भय, जो भी परिस्थितियां आ रही उनको भी क्या करो, ये सब क्या है, पेपर टाइगर है, क्या है ये, खिलौने हैं, खिलौने हैं ये, माटी के मुश्किलों में दम नहीं, छोटे छोटे खिलौने हैं, और ये खिलाड़ी तो ऊपर बैठा है ना जिसने ये खेल रचा है। स्टोरी नंबर 2, बेसहारा जो है उसे सहारा देना, जिसका कोई नहीं है उसकी मदद करना, हेल्प करना, वो भूलेंगे नहीं कभी। तीसरा, हॉस्पिटल में जाना, कई लोग हम देखते हैं हॉस्पिटल में आते हैं उनका कोई नहीं रहता एडमिट, एक एक पल देके निकल जाते हैं चुपचाप, ना प्रदर्शन करते ना बताते हम आ रहे हैं। कई बार ऐसे लोग आते हैं फूल देके, एक एक फूल देके सबको निकल जाते हैं, विदेशी लोगों को देखा है, आते हैं जनरल वार्ड में जाते हैं और खिलौने दे दे के निकल जाते हैं, पूछते हम उनको किसने दिया, बोलते वो आए थे ना गोरा 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 गोरा, वो देखे क्या
आदिवासी लोगों को पूछते किसने दिया, वो थे पता ही नहीं किसने दिया, आप लोगों ने दिया, हम लोगों ने तो नहीं दिया। गुप्त दान करके चुपचाप, विदेशी जितने आते हैं ना ग्रुप्स में, चुपचाप हॉस्पिटल में आते हैं और दान करके निकल जाते। और भारत वाले होते तो पहले तो फोन आता है हमारे फोटो सब कुछ देते हुए, फोटो ऑप्स, इसको कहते हैं फोटो ऑप इंग्लिश में, सारे न्यूज चैनल में हमने ये दिया, देते हुए फोटो। इसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है लोगों को। जैसे ज्ञानामृत की मैगजीन आई, पहले कहां ध्यान जाता है, मेरी फोटो कहां है जो हमने भेजी थी, वो ढूंढने में, और इतनी सी छपी है, इतनी सी, पर उसको विस्तार करके, उसका ये करके, उसकी सेंड कि हमारा फोटो आ गया है दूसरों की अब तक सुन रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं है, हमारी इतनी सा राखी गिफ्ट, उसमें बहुत इंटरेस्ट है। नेक्स्ट स्टोरी, स्वयं के सुख का त्याग कर कर भी दूसरों को सुख देना। नेक्स्ट, सिद्धियां, इस मार्ग पर सिद्धि आएगी, परंतु उसका प्रदर्शन नहीं, उसका अहंकार नहीं, और उसको जनहित के लिए प्रयोग करना है। नेक्स्ट, साइंस के साधनों को समझना है और सेवाओं में लगाना है। नेक्स्ट, अपने योग जीवन में जैसे ही विघ्न आता है क्या करना है, 4 घंटा योग बढ़ा दो, परिस्थिति आती है क्या करना है, योग बढ़ा दो, और लास्ट जो भी मिले उसको बांट दो। कुंडली मारकर बैठने जाना है उस पर, तो ये खेल अभी उसे बहुत चलाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना, एक धुंध से आना एक धुंध में, ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राह कोई राह ही समझना पाया है न जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकते ही हर खेल सुहाना है, न जाने किस मोड़ पर क्या बीते, इस राह में ए राही हर मोड़ बहाना है, हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, जिसको अभी सदियों तक यह खेल चलाना है। ओम शांति। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है, ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है, संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है, संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है। क्या जाने कोई किस पर किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में राही हर मोड़ बहाना है, संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है। ला 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 la 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 la
हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 ला